कि आज से करीब 300 वर्ष हमारे बनारस के तबले का आविष्कार, जो बनारस बाज के नाम से प्रसिद्ध है, उसका आविष्कार पंडित राम सहाय जी ने अपने बुद्धि और विवेक द्वारा किया, और उन्हीं के बदौलत आज बनारस घराने के जितने भी वादक हैं सब उन्हीं के परंपरा से जुड़े हुए हैं शाखा के रूप में। और उनके घराने के विषय में ये जानकारी है कि ऐसे तो उनके भाई भी बड़े अच्छे विद्वान थे, जानकी सहाय जी, गौरी सहाय जी, परंतु गौरी सहाय जी को एक पुत्र जो पंडित भैरव सहाय जी हुए, भैरव सहाय जी ने एक तबले के लिए बड़ी नई देन दी, और वो देन ये थी कि राम सहाय जी स्वतंत्र वादन में तो उनका जवाब नहीं था, उन्होंने सात सात रोज तक तबला वादन करके अपने दोनों भुजाओं का पूरे भारत के विद्वानों से पूजा कराया। तो ऐसे संगतकार भैरव सहाय जी हुए, और स्वतंत्र वादन में भी उनका जवाब नहीं था। भैरव सहाय जी बड़े भाग्यवान हुए कि उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पंडित बलदेव सहाय जी। बलदेव सहाय जी के तबले के विषय में हमारे पिता पंडित कंठे महाराज, जो उनके शिष्य प्रमुख शिष्यों में से थे, और पंडित छोटे रामदास जी बनारस के, जो कि बहुत बड़े विद्वान गायक थे, वो कहते थे कि बेटा ईमान की बात यह है कि बलदेव सहाय जी के तबले की उपमा जो भगवान कृष्ण के बांसुरी से दी जाए तो वो नहायत उचित है, क्योंकि जो आकर्षण भगवान कृष्ण के बांसुरी में थी वही आकर्षण बलदेव सहाय जी के तबले में था। इसलिए भारत के विद्वानों ने उनको वाद्य रसराज की उपाधि से विभूषित किया था। और उन्हीं बलदेव सहाय जी के शिष्यों में हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित कंठे महाराज, और उनको एक सौभाग्य भी प्राप्त हुआ कि जो हमारे दादाजी थे दिलीप महाराज, वो बलदेव सहाय जी के सगे मामा थे। तो वो बहन के बच्चे थे बलदेव सहाय जी, और भाई के लड़के पंडित कंठे महाराज। तो बलदेव सहाय जी और कंठे महाराज मामा फूफा के भाई भाई भी थे। 9 वर्ष की अवस्था में हमारे पूज्य पिताजी घर छोड़ के नेपाल चले गए, और जाकर के वहाँ बलदेव सहाय जी के पास बहुत परिश्रम से बड़ी सेवा करके उन्होंने काफी वर्षों तक तबले की शिक्षा ग्रहण की, और जैसे ही अपने अनुज को सिखाना चाहिए वैसे बलदेव सहाय जी ने हमारे पिताजी को शिक्षा दी। और फिर पिताजी के विषय में तो दुनिया जानती है, हमारा बड़ा सौभाग्य रहा कि जो हमको पिताजी ऐसा गुरु मिला, उन्होंने हमें जब शिक्षा देना आरंभ किया तो सुन के ताजुब करोगे कि एक वर्ष तक हमें सीधा ताल उन्होंने कोई बजाने नहीं दिया। एक वर्ष तक जब बजवा में तो 19 मात्रा, 17 मात्रा, 15 मात्रा, 13 मात्रा, 11 मात्रा, 9 मात्रा, एक वर्ष तक हमें झपताल या त्रिताल या एकताल या ये सीधा ताल कोई हमें बजाने है, वक्री ताल वो बजवाते रहे। फिर एक साल तक उन्होंने हमें नृत्य के साथ बजाने की शिक्षा दी, अपने पलंग पर बैठ के बिल्कुल डांसर का रोल अदा करते थे, और हम उनके साथ नीचे बैठ के चौकी पर उनकी संगत करते थे। इस तरीके से हमें विद्या सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये एक सवाल छोटा सा है पंडित जी जी, कि संगीत साधना में हमने सुना है जी कि लोगों को किसी का इष्ट करना होता है, किसी देवता का, जी हाँ, तो आपने किसका इष्ट किया है? ऐसा हुआ कि जिस वक्त 5 वर्ष की अवस्था हमारी थी तो हमारे पिताजी ने हमसे तबला आरंभ कराया जी, तो वो धाधा तीती धाधा तीना ये सब न बताकर हमें सबसे पहला टुकड़ा उन्होंने बतलाया कि धा श्रवण सुंदर नाम गणपति ज्ञान नाथ गजाननम त्रिक नगिन धैरत धाधिंधा कृतक लंबोदर एक दंत धा, कृतक लंबोदर एक दंत धा, कृतक लंबोदर एक दंत धा।
तो ये टुकड़ा सीखने का हमारे ऊपर ये छाप पड़ा कि उसी रोज ये हमारे समझ में आया कि गणेश जो हैं ये बात यंत्र के महान देवता हैं और इनका उपासना किया जाए तो चाम्रवाद में जरूर सिद्धि प्राप्त होगी। इसलिए हम शुरू से ही गणेश जी के उपासक और माँ सरस्वती का आराधना और गुरु के चरणों का आराधना अभी तक हम करते आए हैं। बजाने से पहले इन्हीं लोगों का ध्यान करके हम एक तिलक लगाते हैं। ये तिलक लगाने के बाद तब हमें ये लगता है कि हम तबला वादक हैं। इसके पहले तो हम एक अपने को बड़ा मामूली सा समझते हैं, मगर ये टीका लगाने के बाद जैसे हमारी खोपड़ी जागृत हो जाती है तब हम समझते हैं कि हाँ हम तबला वादक हैं। हमने सुना है पंडित जी कि आप घर छोड़कर भी कहीं तपस्या किए हैं तबले की साधना। अरे बाप रे बाप, हमारे इस विषय की बातचीत तो अजीब है। एक महात्मा हमसे बंबई में मिल गए, कहने लगे कि तबले की पूर्ण सिद्धि प्राप्त करनी है तो श्मशान में सिद्धि करो। नतीजा ये हुआ कि 40 रोज तक हम शिवाजी पार्क के श्मशान में जा करके और रात को कम से कम 1186 बार पाठ करते थे। आप 11 माला पाठ करते जिसमें 2-3 घंटा लगता था और हम काफी दिनों तक वहाँ 40 रोज तक बॉम्बे के श्मशान में सिद्धि किया। फिर उसके बाद बनारस में आकर के हम 2 बरस संकट मोचन मंदिर में जाकर रह गए। वहाँ मंदिर में भी बहुत दिनों तक हमने बैठ के रियाज किया। तो बगैर देवी देवताओं बड़ों के आशीर्वाद के, गुरु के आशीर्वाद के, किसी भी विद्या में सिद्धि नहीं प्राप्त होती है, यह हमारा दृढ़ विश्वास है। कि ये गणेश की प्रतिमा जो है जी, और ये तमाम चित्र जो है इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है बनाने में। अच्छा, इसका भी एक इतिहास है। जब हम छोटे थे तो हमारे पिताजी ने हमें एक बार एक पर्ण सिखलाया जिसमें कि वंदना है गणेश का कि गणा नाम गणपति गणेश लंबोदर सो है और भुजाचार्य एक दंत चंद्रमा ललाट राजे और ब्रह्मा विष्णु महेश ताल देव ध्रुपद गावे तो अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे। तो इसी धारणा को, इसी मूर्ति को, इसी ध्यान को लेकर के हमने इस मूर्ति की रचना की थी और बड़ी भगवान की कृपा है कि ये मूर्ति भी एक अनूठी मूर्ति बनी है। और जैसा कि आपने चित्रकारी के विषय में पूछा था जी, तो तबला से जब हमें कुछ फुर्सत मिलता था तो हमें 3-4 चीजों का बहुत शौक और बहुत रुचि, जिसमें हम घर पर रह के चित्रकारी करते थे या घर से बाहर जब निकलते थे तो उस जमाने में शिकार का हमें बड़ा शौक था। अच्छा, हम जाके राइफल बंदूक लिए शिकार बहुत किए हैं। अच्छा, राइफल क्लब में भी जाके शूटिंग वगैरह करते थे। ये हमारा खास फोटोग्राफी से भी हमें बहुत ज़्यादा शौक था और अभी तक फोटोग्राफी वगैरह हम करते रहते हैं। तो चित्रकारी भी बचपन से हमारा शौक था। तो बनारस घराने की ये जो 300 वर्षों से चली आ रही है परंपरा जी, इसको कायम रखने के लिए आपका क्या प्रयास है और बनारस के युवा पीढ़ी से आपको क्या आशाएं हैं जी, ये हम जानना चाहेंगे। पीढ़ी के विषय में पूछ रहे हो जी, उसमें थोड़ा हमको एक तकलीफ है और वो तकलीफ ये है कि पहले तो जिस तरह से हम लोगों ने गुरु के साथ भावना रखा, गुरु का जो आदर सत्कार किया, वो आजकल के बच्चे बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। गुरु भक्ति क्या है उनको नाम नहीं, मजा है सीखे हैं वो किसी और गुरु से, मगर आज अपने बाप के और अपने दादा के नाम के पीछे मर रहे हैं। अपने गुरु का उनको ध्यान ही नहीं। और धर्म ये होना चाहिए कि चाहे कोई भी कहीं का भी गुरु, गुरु के चरणों में जीवन भर नतमस्तक रहे, गुरु के चरणों का ध्यान बराबर लगा रहे और बाप दादा ने जन्म दिया है तो उनको तो हमारे बड़े नहीं है, मगर आज हम जो कंठे महाराज जी को इतना आदर देते हैं वो इसलिए नहीं कि हमारे ताऊ थे, इसलिए कि वो हमारे गुरु थे। हमारे पिताजी 45 साल की अवस्था में स्वर्गवासी हुए जी, मगर हमारे आंख से एक बूंदा आंसू भी नहीं निकला। और बड़े पिताजी के लिए, गुरु के लिए आज कहीं बजाते बजाते जब उनके अंगूठे का ध्यान आ जाता है तो हमारे आंख से अश्रुपात होने लगता है। तो
तो हम तो एक चीज जानते हैं कि आजकल के बच्चे सच्ची गुरु भक्ति करें, रियाज जितना हम लोगों ने किया है उतना रियाज करें, अपना समय दुरुपयोग में न करके एक अच्छे, अच्छा शिक्षा बड़ी जरूरी चीज है। जब तक एक अच्छे गुरु से ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा, देखो लोग अपमान समझते हैं कि हम कंठे महाराज के घराने के हैं, हम कैसे चले जाए किसी दूसरे घराने में सीखने। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि हमारे घराने में कुछ बातें कमजोरी हैं, तो हमको किसी अच्छे जगह से अच्छी विद्या प्राप्त हो तो उसको सीख लेना कोई पाप नहीं है, और गुरु बनाना कोई पाप नहीं है। दत्तात्रेय ने 26 गुरु बनाया। आज भी हमारे पिताजी तो 60 वर्ष के जब हो गए तो कहने लगे कि वाह, अब हमारे गुरु जिंदा होते तो अब हम सीखने लायक होंगे। पुराने लोगों ने कहा है कि गुरु करे जान के और पानी पिए छान के, तो गुरु अच्छा बनाना चाहिए, विद्वान गुरु बनाएगा तो उसकी शिक्षा भी अच्छी होगी। भैरव सहाय जी के पुत्र बलदेव सहाय जी, एक छोटी सी बंदी सुन की सुनिए, देखिए क्या रचना है। जब मैं ग्रीन रूम से बजाने आ रहा था तो सुरेश ने आके हमसे कहा कि आपकी तबीयत बहुत खराब है, आज मेहनत करके मत बजाइएगा, धीरे धीरे बजाइए, मगर एक शायर आप लोगों को सुना दो कि मैं तुम्हारे सामने हूं, तुम हमारे सामने, और आज जो ये है कि दम निकले तुम्हारे सामने। वो सिपाही बड़ा भाग्यवान होता है जो रण में वीर गति को प्राप्त होता है, और हम भी माँ सरस्वती से यही मनाते हैं कि जब भी हम मरे स्टेज पर तबला बजाते बजाते मरे। मैं कोई अहंकार से नहीं कहता, 81 बरस का उम्र हो जाने के बाद जब इस पावर से कोई आजकल के जवान बजाएंगे तब उनको पता लगेगा कितने रियाज की जरूरत है। तबला जहां समाप्त करता हूं, एक पर्ण आखिर में गणेश जी का बजाता हूं, क्योंकि गणेश हमारे बड़े इष्ट देव हैं तो उनकी चीज है, पहले उसको मुंह से सुन लें। शब्द है गणा नाम गणपति गणेश, लंबोदर सो है भुजा चार एक दंत चंद्रमा ललाट राजे, ब्रह्मा विष्णु महेश ताल दय ध्रुपद गावे, तो अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे, धट धराध धर धर प्रधान दिन 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 नागे 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 धन धन तिन, और तिन तगे नाना तद्रिगन ध्रिग ध्रिग दिन 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 आगे दिन आगे ताक धान, कृतक धरान तरान धा कृतक धरान तरान धा कृतक धरान तरान धा। तो एक प्रश्न बड़ा अजीब है इसमें, कभी कह रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ताल दय ध्रुपद गावे, तो अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे, और बजाया क्या कहे धट धराध धर धर, तो विचित्र मृदंग क्या बजाया। एक ऐसे भी
कलाकार थे जो कि इतना सुनने के बाद भी बोले कि अरे क्या बजाया। तो उन्होंने कहा विचित्र मृदंग क्या बजाया, तो कवि कह रहा है कि नहीं बजाया। कहें कैसे, कहें धट धरा, जिसने उसके रास्ते का ध्यान धरा, धट धरा और धर धर कृदान, बराबर ध्यान धरता चला गया, धर धर कृदान। और दिन 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 जो दिन 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 दी न नागे नागे नागे, जो दिन दिन नागा नहीं दिया, दिन दिन दी न नागे नागे नागे, धन धन तिन, इसको धन्यवाद है, धन धन तिन। और तिन ताके नाना, जिसने उधर को नहीं ताका, ताके नाना मृदंग तबले का बोल भी है और ताकना देखने को भी कहते हैं। तो तीन ताके नाना ता दीर्घन धीर्घ धीर्घ, जिसने उधर को नहीं देखा उसके आंखों को धिक्कार है। तीन ताके नाना ता दीर्घन धीर्घ धीर्घ, दिन दिन दिनागे दिनागे, दिन दिन नागा देता चला गया, तो कहे फल क्या मिला, कहे कृतक धारा न तारा, न धा कृतक धारा न तारा, न धा कृतक धारा। अब इसको हाथ से भी सुने, जब कोई अच्छे गुरु से शिक्षा प्राप्त करता है तो तबले को भी जुबान हो जाती है। देखिए एक एक शब्द तबला कहता है कि नहीं, हम मुंह से बोल के इस पर निकाल के दिखला रहे हैं। आप देखें गणा नाम, गणा नाम, गणपति, गणेश, लंबोदर, सो है भुजाचार, एकदंत, चंद्रमा, ललाट, राजे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तालदय, धुरपद, गावे, अति विचित्र। अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे, धट धराध धर धर कृधान, दिन 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 नागे नागे नागे, धन धन तिन, तिन ताके नाना तादृगन धिग धिग, दिन 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 आगे दिन आगे, दा कृधान कृतक धरान तरान धा, एक एक बोल ऐसे निकल सकता। अब इसको लयबद्ध बजा के मैं आप लोगों का आशीर्वाद चाहूंगा, जिसमें 81 साल हो गया, 9 बरस और बजाते रहे तो 90 पूरा करके तब तबला समाप्त करेंगे। Na 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 na